अमृतसर विच ई रिक्शा चालक दे पिछे लगी पुलिस। ई रिक्शा चालक ने रिक्शे दा बनाया हवाई जहाज। कई लोगों नूं टक्कर मारन तो बाद होया फरार। खबर अमृतसर तो है जिथे अमृतसर दे नावल्टी चौंक दे विच एक बजुर्ग जोड़े नूं रस्ते विच ही उतार के ई रिक्शा चालक उन्हां दे नाल बदसलूकी करन लग्या। मौके ते मौजूद एक पुलिस अधिकारी वल्लों जदों उस तों पुछगिछ कीती गई तां उह पुलिस अधिकारी नूं वी गाली गलोच करन लगा ते उस तों बाद उत्थों अपना रिक्शा भजा के लै गया। मौके ते जदों पुलिस ने उसका पिछा किया लगभग 15 किलोमीटर तक पुलिस उसका पिछा करती रही। गली मुहल्लिया दे विच्चों गुजरदा होया जदों वो शख्स अपना रिक्शा भजा के लैके जा रहा सी तां उसने कई लोगों नूं टक्कर भी मारी। उस तों बाद ई रिक्शा चालक एक वाहन दे नाल टकराउंदा उसका ई रिक्शा पलट जाता है। रिक्शा पलट जाण तों बाद बड़ी चलाकी दे नाल वो शख्स उत्थों भज जाता है। पुलिस वालों कोशिश की गई मगर पुलिस के हत्थों फरार होने दे विच ई रिक्शा चालक कामयाब हो गया। सो मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद सन। उन्हां वालों दस्या गया कि यह शख्स जिहड़ा शायद इसकी शराब भी पीती हुई सी बड़ी चलाकी दे नाल इत्थों फरार हो गया। पुलिस वालों उसका जिहड़ा ई रिक्शा सी अपने कब्जे दे विच लै लिया गया। अमृतसर के लॉरेंस रोड के उपर जिहड़ा उसका ई रिक्शा सी वह जब्त कर लिया गया और पुलिस का कहना है कि कुछ समय बाद उस ई रिक्शा चालक नूं जरूर फड़ लिया जाएगा। सो मौके पर पुलिस अधिकारी पहुँचते हैं। उन्होंने वालों की जानकारी दी गई, आओ आप उस जानकारी नूं सुन लें। जुड़ू कर लिया सी एक बजुर्ग जोड़ा मेरे को आया सी ते वो बजुर्ग के हाथ से खुंडी सी। मैनू आके कहिंदे भी तुसीं भाजी आ टेंपू वाला सानूं खराब कर लिया, जाना है गांह इधर ग्रीन एरिया कितने ना जाना है कितने। तो उस तो बाद मैं उन्होंने बात की मैं क्यों तू इतने क्यों इन्हों कार दिया। तो उन्होंने माड़ा चंगा बोलिया भी मैं तेरे खूंडी खो गए तेरे मारूंगा बजुर्ग जोड़े ने। तो उस तो बाद मैं उन्होंने मैं यार तू चंगा बंदा इन्ने चिर में देखा उन्हें शराब पीती ही पता नहीं की स्मैल आन दे ही। तो मैं हाँ भी तू गलत है तू शराब पीती है इन्ने चिर मैंने भी पुछा सी उन्होंने बोल के तो चले गया गालों गुला कट के। फिर अभी पछे पिछा किया तो बड़ी दूरों जाके अं केसेस उसमें हो गए जाके वो खालसा कॉलेज के बाहर मोहनी पार तो अंदरों जाके लैन तो पारों जाके फट लैन ऑटो फड़िया गया बंदा फड़िया गया नहीं बंदा फड़िया गया बंदा नहीं ऑटो लेके आए हैं बंदा भज गया। अच्छा एक्सीडेंट किन्ने किए हैं? एक्सीडेंट इन्हें घर तक तिना चौह बंद वजा दो तीन गड्डिया वजा एक एक्टिवा ने खालसा कॉलेज लागे सारी वो वज के गांव गड्डिया छिलिया भी लोगों गड्डिया छिलिया कई गड्डिया छोड़िया अपने ये लागू। अच्छा हम इतने कार्रवाई की जाएगी जो भी बनती कार्रवाई करनी हम ऑटो फड़िया गया। हाँ जी ऑटो लैन का ठीक है भाजी लगता कि जान का खतरा तुम्हें भी हो सकता है जिस तरह साइड मारता पड़ा बड़ा ज्यादा मैं आप बेशक पुलिस वालों ये वड्डे वड्डे दावे समय समय से किए जाते हैं कि नाके दौरान वह वड्डे वड्डे गैंगस्टर फड़न के कामयाब हो जाते हैं पर वेख्या जा रहा है कि इस ई रिक्शे वाले नूं फड़ना उन्होंने लिए बहुत मुश्किल हो गया और नाकामयाब होंगे ने इस ई रिक्शे वाले नूं फड़न दे विच। वेख्या जाए ई रिक्शे की स्पीड जी है 40 to 50 किलोमीटर प्रति घंटा होंगी है और पुलिस कोल जेडे वाहन होंगे ने उन्हां दी स्पीड जी है लगभग 80 to 100 के करीब होंगी है। सो वेखना होगा कि आने वाले समय के कितनी जल्दी पुलिस इस ई रिक्शे वाले नूं फड़न दे विच काबू होंगी है। अमृतसर तो जसकरण सिंह की रिपोर्ट लुधियाना टाइम्स।